कोरोना काल में पूरी दुनिया महामारी का शिकार हुई है। इस बीच एक बात सामने आई है और वो ये कि अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप पर कोरोना भी हावी नहीं हो सकता है। भारत में ऐसे कई औषधि और खानपान की चीजें हैं जो शरीर को मजबूत बनाती हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखती हैं। गिलोय भी उन्हीं प्राकृतिक चीजों में से एक है जिसका सही तरीके से सेवन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा। गिलोय को गुडुची नाम से भी जाना जाता है। यह एक बेल होती है जिस पर पान जैसी शेप का डार्क ग्रीन पत्ता आता है। यह डेंगू फीवर का एक बेजोड़ इलाज है और रोगी को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। बुखार उतारने से लेकर हड्डियों का दर्द दूर करने तक यह एक पौधा कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और सदियों से इसका उपयोग रोगों के निदान में किया जा रहा है। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें ग्लूकोसाइड, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। गिलोय का इस्तेमाल बेहद आसान है। इसकी पत्तियों को पहले अच्छी तरह सुखा लें। सूखी गिलोय की पत्तियां लंबे समय तक आप रख सकते हैं। जब भी सेवन करना हो तो इसे पानी में डालकर अच्छी तरह खौला लें। अगर 2 कप पानी में आपने गिलोय की पत्तियां डाली हैं, तो खौलते हुए 1 कप पानी सुखा लें। रोजाना 0.5 ग्राम गिलोय के साथ आंवला पाउडर लेने से शरीर को फायदा होता है। गिलोय की पत्तियों का चूर्ण भी आप बनाकर खा सकते हैं। लेकिन हर औषधि से जुड़े कुछ जरूरी नियम हैं, जिनको सेवन के दौरान ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार 1 दिन में 1 ग्राम से ज्यादा गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है या पेट गड़बड़ है तो गिलोय का सेवन ना करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याएं रहती हों, उन्हें बिना वैद्य की सलाह के गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गिलोय का सेवन करने पर ब्लड शुगर काफी लो हो सकता है या अधिक यूरिन होने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है।